गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्ट्री क्लास। कंटिन्यूइंग द चैप्टर कन्फ्रंटेशंस ऑफ कल्चर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मायंस एंड द इंकाज ऑफ पेरू। द मायन कल्चर ऑफ मैक्सिको डिवेलप्ड रिमार्केबली बिटवीन द 11th एंड 14th सेंचुरीज, बट इन द 16th सेंचुरी दे हैड लेस पॉलिटिकल पावर देन एस्टेक्स। Corn cultivation was central to their culture and many religious ceremonies were centered on the planting, growing and harvesting of corn. Efficient agricultural production generated surplus which helped the ruling classes, priests and chiefs to invest in agriculture and in the development of astronomy and mathematics. The Mayas devised a pictographic form of writing that has only been partially decipherated. मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के दौरान बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस की, लेकिन 16th सेंचुरी में माया लोगों के पास पॉलिटिकल पावर एस्टेक लोगों के मुकाबले कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके काफ़ी एडवांस थे और एफिशिएंट थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इससे रूलिंग क्लास, प्रीस्ट और चीफ्स को एक एडवांस्ड कल्चर का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की शुरुआत हुई। माया लोगों के पास अपनी एक पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग थी। इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम पढ़ेंगे द इंकास ऑफ पेरू। द लार्जेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस सिविलाइजेशंस इन नॉर्थ अमेरिका वॉज दैट ऑफ द क्वेचुआ और इंकाज इन पेरू। इन द 12th सेंचुरी द फर्स्ट इंका मेनको कपाक एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट कुज़को। एक्सपेंशन बिगैन अंडर द 9th इंका एंड एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट द इंका एम्पायर स्ट्रेस्ड 3,000 माइल्स फ्रॉम इक्वेडर और चिली। साउथ अमेरिका के इंडिजीनियस सिविलाइजेशंस में से सबसे बड़ी पेरू की क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12th सेंचुरी के प्रथम इंका शासक मेंको कपाक ने कुज़को में अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंत में इंका साम्राज्य इक्वेडोर से चिली तक 3,000 मील में फैल गया। The empire was highly centralized with the king representing the highest source of authority. Newly conquered tribes were absorbed effectively. Every subject was required to speak Quechua, the language of the court. Each tribe was ruled independently by a council of elders, but the tribe as a whole owed its allegiance to the ruler. At the same time, local rulers were rewarded for their military cooperation. Thus, like the Aztec Empire, the Inca Empire resembled a confederacy with the Incas in control. There are no precise figures of the population, but it would seem that it included over 1,000,000 people. साम्राज्य highly centralized था, राजा में ही सारी शक्ति centered थी और वह ही सत्ता का highest source था। नई जीती गई ट्राइब्स और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। हर एक कबीला स्वतंत्र रूप से काउंसिल ऑफ एल्डर्स यानी वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति पूरी तरह निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए रिवॉर्डेड किया जाता था। इस प्रकार एस्टेक साम्राज्य की
ही तरह इनका साम्राज्य इकाइयों को कंट्रोल करने वाले एक संघ यानी कन्फेडरेशन के तरह था। आबादी के फिक्स्ड स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस साम्राज्य में थे। लाइक द एस्टेक्स, द इंकास टू वर मैग्निफिशेंट बिल्डर्स। दे बिल्ट रोड्स थ्रू माउंटेन्स फ्रॉम इक्वेडर टू चिली। देयर फोर्ट्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन स्लैब्स दैट वर सो परफेक्टली कट दैट दे डिड नॉट रिक्वायर मॉर्टर। दे यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू कार्व एंड मूव स्टोन्स फ्रॉम नियर बाय रॉक्स फॉल। Masons shaped the blocks using the effective but simple method called flaking. Many stones weighed more than 100 metric tons, but they did not have any wheeled vehicles to transport these. Labor was organized and very tightly managed. Aztec logon ki tarah Inca bhi magnificent builders the. Unhone pahadon ke beech Ecuador से चिली तक अनेक सड़कें बनाई थी। उनके किले स्टोन स्लैब्स को इतनी बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती थी। वे पास वाले इलाकों से टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, जिसमें कंपैरेटिवली अधिक संख्या में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए फ्लेकिंग पद्धति का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल भी होती थी। कई स्टोन्स का वजन 100 मीट्रिक टन से भी अधिक होता था, लेकिन उनके पास इतने बड़े स्टोन्स को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थी। ये सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी सावधानी से करवाया जाता था। द बेसिस ऑफ इंका सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर। टू कोप विद द इनफर्टाइल सॉयल कंडीशन दे टेरेस्ड हिल साइड्स एंड डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज एंड इरीगेशन। इट हैज़ बीन रिसेंटली पॉइंटेड आउट दैट 1500 cultivation in the Andean highlands was much greater than what it is today. The Incas grew corn and potatoes and reared llamas for food and labor. Inca sabhyata ka aadhar krishi tha. Unke yahan zameen kheti ke liye bahut upjau nahi thi, isliye unhone pahadi ilakon mein seedhedar khet banaye और ड्रेनेज तथा इरिगेशन की प्रणालियां विकसित की। हाल ही में ये बताया गया है कि 15 सेंचुरी में इंडियाई हाईलैंड्स में खेती आज की तुलना में काफ़ी अधिक परिमाण में की जाती थी। इनका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा लेबर के लिए लामा पालते थे।